अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त? खैरियत से हैं जी? सॉरी फॉर लेट जी, थोड़ा बस टाइम इंटरनेट का इशू था। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? खैरियत से हैं जी? ये सेशन सिर्फ जनाब आप दोस्तों के लिए है जो आफत तशरीफ नहीं ला सकते। इमिग्रेशन के वाले से उन्हें कोई भी डिटेल चाहिए तो मैं इंशाल्लाह 7 to 7:30 PM कोशिश करूँगा कि एवरी डे आप तमाम दोस्तों के साथ जो है ना वो गपशप लगाई जाए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह आपको तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। जो भी आपके क्वेश्चन है इंशाल्लाह उनको सॉल्व किया जाएगा। जी असलान साहब, सर फीस हर प्लान की डिफरेंट होती है तो आपकी एजुकेशन पे, आपकी प्रोफाइल असेसमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास साइट्स में क्या स्कोर हैं, जॉब एक्सपीरियंस क्या है आपका, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। अगर आप क्वेश्चन करना चाहें वो भी आप जनाब कॉल कर कर सकते हैं, या आपको वैसे भी SMS पे कोई डिटेल चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आई नो कि उन्हें रिप्लाई डिले आता है या उनको रिप्लाई टाइमली नहीं आता, तो मैं खुद उन तमाम दोस्तों की आप चीज़ें देखूँगा। मुझे ये कि कोई टीम मेम्बर देखे, मैं खुद उनसे इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगा। सर स्टडी वीज़ा, अगर आप के पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, आपकी स्टडी गैप नहीं है, CGPA अच्छा है, आइट स्कोर आपके पास अच्छा है, तो बिल्कुल आपका वीज़ा STS प्लान में होना चाहिए। फ्रेश स्टूडेंट हैं आप तो कोई इधर रॉकेट साइंस नहीं आएगा आपका वीज़े के लिए। डॉक्यूमेंटेशन बस आपके पास, फ्रेश एजुकेशन चाहिए आपको। GS कवरेज आप मुझे भेज दें वहाँ पे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज दें डॉक्यूमेंटेशन और असेसमेंट का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं जी आप, खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सर जी बताएं क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं हम? सर जी मैं कनाडा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कनाडा के लिए? अभी जी 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 बताएं किस प्लान में आप क्या करते हैं पाकिस्तान में? मेरा बिजनेस है पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो कब से आप बिजनेस कर रहे हैं? तकरीबन बिजनेस तो मैं 2015 से कर रहा हूँ, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है, मतलब FBR के साथ। आप फाइलर भी नहीं है जी? आप FBR में रजिस्टर्ड हैं? नहीं नहीं FBR में रजिस्टर नहीं है। तो आपको क्या इनकम? अभी जो है ना वो मैं रजिस्टर वो कर रहा हूँ अभी, एक वकील से बात हुई। बिल्कुल, आप किसी अच्छे लाइफ से ना करें डिस्कस और तमाम अपना बिजनेस जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाएं उसमें, और उस बिजनेस का बैंक अकाउंट भी ओपन करवाएं और उसी से अपना बिजनेस करें, और अपने पर्सनल जो आपके अकाउंट आपका है बैंक उसे अपने सेविंग के लिए यूज करें। जी जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसको सेविंग के लिए यूज करें और इसमें तमाम प्रोसीजर को 4 से 6 महीने चलाएं, फिर ही आप विजिट वीजा अप्लाई करें। कनाडा का फाइलर हो, अपना बिजनेस ऐड कराएं, ये सब चीजें यहाँ से जो है ना पहले विजिट वीजा अप्लाई करें। विजिट वीजा तब अप्लाई करें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो तो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइलर हो, बिजनेस ऐड करवाएं, ठीक है, उस बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करें, तो उसमें ट्रांजैक्शन करें जो आपके बिजनेस की होती है, और अपना जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसको एज ए सेविंग यूज करें, जो आपको बिजनेस से इनकम आती है या प्रॉफिट वो अपने बैंक में ले, और इस तरह आप जो है ना वो अपने प्रोफाइल बेहतर करें। जी जी
और अगर वहां से कोई इनविटेशन दे तो फिर उसका क्या प्रोसेस होता हाँ, है? एक इनविटेशन आपको दे तो डेफिनेटली थोड़े बेहतर चांस होते हैं आपके, तो इनविटेशन भी आपको लेना चाहिए। आपका कोई फैमिली मेंबर हो वहाँ पे, ब्लड रिलेटिव हो, तो वो आपको स्पॉन्सर या इनविटेशन दे सकते हैं। नहीं, फैमिली मेंबर तो वहां पर मेरा नहीं है, लेकिन एक जो है ना बंदा है वहां पर, वो इसमें काम करता है, सिंधी कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी ठीक है, ठीक वहां कनाडा में, वो उसका मेंबर है। है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करे तो गुड है, आपके चांस बेहतर हो जाएंगे। बट उससे बेहतर ये है कि आप अपने ना प्रोफाइल पहले स्ट्रांग करें पाकिस्तान में, ये चीजें सारी रजिस्टर्ड करवाएं, इनका टैक्स पे करें, उसके बाद आप ये चीजें जो है ना वो करें। जी, बहुत सारे मैं जो है ना अपनी कर रहा हूँ, स्टेटमेंट पे जो है ना फोकस है मेरा, और जो डॉक्यूमेंट है वो सारे बनवा रहा हूँ। जी, ये बनवाएं आप बिल्कुल, इसे ना मिनिमम 4 से 6 महीने ना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें और इनको चलाएं जरा। सो जैसे ही आपकी ये प्रोफाइल 4 to 6 महीने में होगी तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, पहले अप्लाई ना कीजिएगा। नहीं, पहले तो अप्लाई नहीं करेंगे, अगर जी वहां से उस बंदे को मैंने कहा हुआ है, अगर वहां से इन्विटेशन लेटर तो मिल जाए तो फिर बेहतर हो जी जाएगा। बिल्कुल, बहुत चांस होंगे, अच्छे चांस होंगे आपके अगर आपको स्पॉन्सर मिलता है कनाडा से तो। तो वहां पर वो मेरे रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि सेमिनार वगैरह होते हैं वहां पर जो है ना, क्या कम्युनिटी है ना, उसके सेमिनार होते हैं, तो रिलेटिव भरी ना ही हो नहीं तो नहीं कोई उसका जरूरी नहीं, इन्विटेशन चल रिलेटिव का सकता होना है। जरूरी नहीं है, रिलेटिव का नहीं होना जरूरी, आप वहां से ना इनविटेशन ले ले, कोई भी आपको इनविटेशन दे वहां पे, कोई सेमिनार जिस किस्म का कोई भी हो दे, तो वो बेनिफिट है आपको, ताकि आप उसको विजिट करें तो थोड़े से चांस आपके बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपको स्पॉन्सर मिल भी जाए प्रोफाइल बेहतर ना हो तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। अच्छा, तो प्रोफाइल के लिए मैंने जो है ना एक तो एटीएम बनवा रहा हूँ, और दूसरा जो है ये अपना कारोबार वो रजिस्टर करवा रहा हूँ, जी, बिल्कुल करवाइए, और क्या डॉक्यूमेंट है इसके लिए बस ये सर, बिजनेस का पेमेंट? डॉक्यूमेंटेशन ही आप बनवाएं, इनको रजिस्टर करवाएं तो इसकी बेनिफिट होगा आपको। अच्छा, कोई अगर प्लाट वगैरह हो वो मेरे नाम पर मिल बिल्कुल, जाए अगर? प्रॉपर्टी आपका नाम हो तो बिल्कुल वो भी आप बताएं, वो एक तो आपके टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएगी, सेकंड वो आपके इमिग्रेशन के पास भी चली जाएगी रिकॉर्ड, वो भी आपके लिए बेनिफिट है, प्रॉपर्टी भी आपका नाम हो तो पाकिस्तान में। अच्छा, चलो, तो आप जो ना आप कितनी कोर्स है विजिट बेटा अप्लाई करने की? सर तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन भेजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन पे वेरी करता है, मैं आपको ना चेक करके, मैं यहाँ पे मेरी टीम आपको बता देगी। यहाँ पे ना इस इंस्टाग्राम पे भी व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी, उस पर कॉल करके ना आप डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दीजिएगा, टीम आपसे रब्ता कर देगी जरूर। अच्छा, चलो ठीक है जी, फिर यार, ठीक है, थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखें जनाब, जजाकल्ला, जजाकल्ला। जी व्हाट्सएप नंबर जी, यहाँ पे जाए ना इंस्टा की बायो में व्हाट्सएप नंबर भी है और वहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, आप उस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकते हैं। नंबर हर जगह पे मौजूद है, यूट्यूब पे भी नंबर है, यानी टिकटॉक पे, इंस्टा पे भी है, नंबर तो हर जगह पे है। आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो एस लगेगी इमिग्रेशन सोल्यूशन, या आप मेरा नाम टाइप करेंगी तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी सामने, नंबर शंबर सब कुछ आ जाएगा आपको। जी किसी और आपके मेरे फॉलोअर का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे दोबारा फॉरवर्ड कर दें, मेरी नज़र से नहीं गुजरी आपकी CV, व्हाट्सएप नंबर इसमें मौजूद है, आप लिख लें नंबर, नोट कर लें तो, और आप भेज दे सकती हैं व्हाट्सएप।
जी वालेकुम सलाम। जी हमजा साहब, स्टडी वीजा आप अभी जनवरी सेशन में अप्लाई कर सकते हैं जी। तो जनवरी सेशन में अप्लाई करेंगे तो आपके अच्छे चांस होंगे। यूके वर्क परमिट के लिए आपको जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट चाहिए और आपके पास आइट्स में 6 स्कोर चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं कैनेडियन जो है ना, सॉरी यूके वर्क परमिट के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं जी मलिक हमदा साहब, आप अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप बिल्कुल करें अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई बिजनेस भी है, अगर ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल करें अप्लाई आप। ये तमाम सेशन आप दोस्तों के लिए रखे हैं जी, जिनको रिप्लाई नहीं आता तो वो अपने बिल्कुल 7 to 7:30 जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो खुद गाइड करूंगा। वैसे सोशल मीडिया मेरी टीम ही हैंडल करती है, लेकिन आप दोस्तों के क्वेश्चन इतने आते हैं कि रिप्लाई नहीं आता। करते तो वहाँ सारा दिन है आपको रिप्लाई, 24/7 करते हैं, लेकिन कुछ हो जाती है तो मैंने सोचा तमाम दोस्तों के शिकवे तो दूर करें कि कॉन्टैक्ट आपका लाजमी होना चाहिए। कॉन्टैक्ट की वजह से जो है ना वो आपका कोई भी आइंदा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हम कॉन्टैक्ट नहीं करते। मैं खुद आपके लिए इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आफ्टर जो है ना वो टाइम ऑफिस के बाद, बट जैसे ही फ्री होगा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 7 करोड़ बोटी आपसे ऑनलाइन जो भी है गपशप लगाई जाए। जी तैमूर साहब, आई थिंक आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कुछ सिग्नल इशू है आपका। ठीक है जी रमजान साहब, आप बिल्कुल कर सकते हैं जी, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप बिल्कुल करें विजिट वीजा अप्लाई। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर आपके पास अस्सलाम है जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर, जी कैसे हैं आप? भाईजान, ये आप फैमिली विजिट वीजा का भी करते हैं? जी, अगर आप बिल्कुल करते हैं जी विजिट विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं डेली विजिट। कनाडा के लिए? जी कनाडा जी के जी लिए जी करते हैं सर विजिट विजिट। तो उसके लिए कोई डन बेस वाला भी है सिस्टम क्या? नहीं सॉरी सॉरी, ऐसा कोई नहीं सिस्टम, हम ना इमिग्रेशन को डील करते हैं, इमिग्रेशन लॉयर है हम, डन बेस वाले बिल्कुल बनी करते वो हैं। ऑफिस तो आपके में एक दफा चक्कर लगाया, आप उस कराची गए हुए थे, तो अच्छा वो इमिग्रेशन वर्क परमिट के रिलेटेड तो मैं इंफॉर्मेशन ले आया था उधर से, ठीक तो है, बस हम वर्क परमिट को डील करते हैं, विजिट वीजा को डील करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो हम बिल्कुल लीगल वे से डील करते हैं, ना कि हम डन बेस ऐसा कुछ सिस्टम नहीं डील करते हैं सर। चलें फिर, ठीक है, फिर डिटेल डिस्कशन के लिए किसी वक्त आपके ऑफिस जी विजिट जरूर, करते वेलकम हैं। सर, वेलकम एनी टाइम भी जी आप, एनी जी टाइम, जी थैंक यू भाई जान। जी जी सर जी, जी वासाम जी सर, बताएं जी। कनाडा के बारे में पूछना था, तो जी बताएं, पूछें जनाब। इसकी सही कॉस्ट क्या है? कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे, बिजनेस क्या करते हैं आप, मैं सर जी जिम्मेदार हूँ एग्रीकल्चर, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, नहीं ट्रैवल इसमें फ्रेश पासपोर्ट है। फ्रेश पे ना बड़े कम चांस होते हैं। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं तो ट्रैवल करके हैं तो 4 कंट्रीज का ना फिर आप अप्लाई करें तो फिर ही आपका विजिट वीजा हो सकता है कुछ। वर्क परमिट अच्छा है या इन कनाडा के वर्क परमिट अच्छा है? सर आप दोनों ही अच्छी है, अगर आप अपनी प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं, अगर आपकी एजुकेशन हो तो आप पहले वर्क परमिट भी ले सकते हैं, तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं है
तो आप अगर विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा हो या जॉब करते हो। वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट के लिए आपकी एजुकेशन कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए इंटरमीडिएट और राइट्स में भी। जी जी आइट्स कितना चाहिए मिनिमम 6 कोर्स सर। जी कनाडा के वीजे के लिए, वर्क वीजे के लिए? थैंक जी बिल्कुल 6 कोर्स चाहिए। यू सर, थैंक ठीक है यू। जी, जजाकअल्लाह जी, खुश रहें चलिए। जनाब। थैंक यू, थैंक यू। ट्वेंटी टू ईयर से कम एलिजिबल नहीं होता, 22 ईयर प्लस एलिजिबल होता है, बट उसके साथ उसको जो है ना वो जॉब भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल हमजा, मलिक हमजा साहब, अगर आपके पास है ट्रैवल हिस्ट्री तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है बहुत कनाडा का विजिट वीजा के लिए। सर आपके सिग्नल वीक, आई थिंक आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जी, फरहान साहब कॉल में अभी अटेंड किया आपके, आई थिंक सिग्नल ना वीक हो आपके, आप आ नहीं रहे। असलामुअलैकुम सर, वालेकुम जी फरहान साहब, क्या ठीक हाल ठाक? है आपके? फरहान ठीक है साहब आप ठीक हैं? जी सर, अलहमदुल्ला। अच्छा सर, मैं ना कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, बिजनेस बेस्ड ठीक है, क्या करते हैं पाकिस्तान में है। आप? पाकिस्तान में मेरा ना ट्रेड ट्रेड कंपनी है मेरी अपनी, ठीक है, कब? तो मेरा चैम्बर का कार्ड भी मैं बना बना है, वो ठीक है, दो रिटर्न मेरी जा चुकी ठीक हैं। है, जी, और कोई उसकी बैंक स्टेटमेंट कोई है? 35 35 मिलियन या नहीं, 35 मिलियन नहीं, 2.5 मिलियन, यानी के 3 मिलियन वाले, 3.5 मिलियन ठीक वाले। है, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है एफबीआर में? जी, एफबीआर में मेरी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री कोई है आपकी? नहीं, ट्रैवल इसमें फ्रेश पासपोर्ट है। ठीक है, तो ये बता एज क्या है आपकी? क्या एज चीज? क्या आपकी एज? 24 24। सिंगल है, मैरिड है आप? सिंगल कोई सिंगल फैमिली मेंबर है आपका कनाडा में? नहीं सर, इस वक्त तो फिलहाल कोई भी ठीक है, नहीं है, आप ना फर्स्ट टाइम सिंगल व्हाट्सएप नंबर है हूँ। आपका? मेरा मैं आपके पास, सर, आपने आई थिंक मुझे सेंड किया था, लेकिन आपकी ऑफिस लोकेशन क्या है? हमारा ऑफिस है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर दर से, लक्ष्मी चौक से। ठीक है, हमारा ऑफिस लाहौर में करीब आपको इस्लामाबाद में पड़ेगा, एक इस्लामाबाद में है और एक हमारा कराची में ऑफिस है। आप अच्छा मुझे अच्छा ये इस्लामाबाद आए तो ऑफिस आ जाइएगा, वरना मुझे ना अपने डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप कर दें या मेल। व्हाट्सएप आपके पास होगा? कर दें, मैं चेक कर लूंगा, अगर आप कोई बनती हो या आपकी पॉसिबिलिटी तो जरूर आपको मैं गाइड करूंगा। जी ठीक ठीक है है जी, सर, मैं काइंडली आपको सेंड हाँ करता हूँ। थैंक यू जी, ठीक है थैंक यू, थैंक यू, जी सर, ओके, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया आपका। हाफिज। कॉल आपकी तरफ से ना ऑफ होनी है, कॉल जी, आपकी तरफ से ऑफ होनी है ऊपर। अच्छा मेरी तरह से ओपन नहीं है ये, मेरी कॉल कहाँ से ओपन हो गया? सर कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी
जी आपकी क्या आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर। आप दोबारा डिस्कनेक्ट करें। जी मलिक हमला रिप्लाई क्या चाहिए आपको बताएं मुझे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जनाब ऑल इन सेशन है 7 PM to 7:30 आप लाइव आके इंस्टा पे। आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप वो कर सकते हैं। ये तमाम उन क्लाइंट्स के लिए है जिनको रिप्लाई नहीं आता और वो दूर से है ऑफिस विजिट भी नहीं कर सकते। उन तमाम के लिए मैंने ये सेशन रखा है कि वो यहाँ पे आए ऑनलाइन भी जो भी उनके क्वेश्चन हुए इंशाल्लाह मैं खुद उनको देखूंगा भी और उनको इंशाल्लाह सॉल्व भी किया जाएगा। जी दानिश भाई ठीक है। अगर आपके पास दानिश साहब है डिप्लोमा है 3 ईयर का और गैप 3 साल के आपके पास FSC आपकी ठीक है। अगर वो आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास और आप पर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं जॉब एक्सपीरियंस को तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जी नदीम साहब आप मुझे व्हाट्सएप यहाँ पे नंबर शेयर है उस पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दें चेक कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जी सर क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी आप खैरियत से हैं जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं पूछना चाह रहा था, कोई ऑप्शन, मैरिड हूँ रिसेंटली, स्टडी वीजा के लिए स्टडी वीजा हो जाए और इमिग्रेशन के लिए अलावा उसके अलावा क्या सेटलमेंट क्वालिफिकेशन या बिजनेस क्या पे। क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन सर FSC प्री मेडिकल कब किया आपने FSC 2020 में। 2020 तो फ्रेश है। आपके नंबर कितने हैं आपके FSC में 66% ठीक है। कोई आइट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ आपने PTE आइट्स जी, वगैरह। रिसेंटली PTE की प्रिपरेशन किया है, 22 को अपियर करना है टेस्ट में। चलिए कोशिश करें बेस्ट आप लोग ट्राई करें 60+ आप नंबर लें PTE में तो जी इंशाल्लाह आप 10 अगस्त के बाद जनवरी सेशन में आप SDS प्लान में एलिजिबल होंगे। अभी आपको करना भी जनवरी सेशन में चाहिए अप्लाई। वीजा ठीक रेशियो है भी अच्छी होती है और ये PTE जो है ना वो SDS में भी एलिजिबल हो जाएगा। अभी जो है ना वो जी, PTE एलिजिबल नहीं है SDS के लिए। 10 अगस्त के बाद होगा तो इसके जी 10 अगस्त के बाद सेशन पे जनवरी में एडमिशन होगा आपको। जी जी इसके अंदर डिपेंडेंट के साथ है, ऑप्शन है जी डिपेंडेंट आप अप्लाई कर स्पाउस। सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी और कंट्री का, कनाडा के अलावा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी आप कर क्या रहे हैं 1 साल से आप मैं पहले तो बिजनेस कर रहा था अपना, ब्रिक्स ठीक है कंपनी का, ठीक है उसके अलावा फिर फादर का है फार्मिंग ठीक है है, डच डच काउ का जो है कैटल फार्म है, काउ फार्म ठीक है ऑस्ट्रेलियन बेस पे है, ठीक है तो उधर साथ अपना में गए। बिजनेस करते हैं आप जी, ठीक हो गया। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं यूके का भी अप्लाई कर सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का भी कर सकते हैं कनाडा का भी USA का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास 1 साल का स्टडी, एक्सपीरियंस जस्ट डिप्लोमा जो है और एक्सपीरियंस जो है अपने फॉर्म का ही है, चाचू के नाम पे रजिस्टर्ड FPR, और खुद भी NTN भी है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करूँ। हाँ जी बेहतर है, ऑप्शन उनका भी बेहतर है। अगर आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हो जाता है तो जी बेहतर जी हो गया ऑस्ट्रेलिया के वीजा और के बाद। ट्रैवल बिल्कुल रजिस्ट्री स्टडी है, ट्रैवल के रजिस्ट्री दुबई की, विजिट वीजा की। लिए मैटर नहीं करती, ये विजिट के लिए करती है मैटर, स्टडी के लिए कोई इशू नहीं। आपने कहीं ट्रैवल ना भी किया हो जी, स्टडी गैप जस्टिफिकेशन करनी हो 3 साल का, और एक साल मैट्रिक के बाद है 1 साल का। बिल्कुल, वो जो भी है ना आपने वो दो नहीं, आपने लास्ट इंटर के बाद ही कीजिएगा जस्टिफिकेशन, मैट्रिक के बाद जी मत जी करिए आपको। तो और जस्टिफिकेशन के लिए कोई एक्सपीरियंस लेटर। बिल्कुल, जिससे जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस जी में जी डेफिनेटली आपके अंकल का बिजनेस है। फादर और अंकल के है, बट फादर भी साथ पार्टनर है, पर अंकल के नाम पे है सारा, रजिस्ट्रेशन जो है वो अंकल के नाम पे है। मतलब नहीं है, वहां से आप अपना एक्सपीरियंस लेटर मैनेज जी कर लीजिएगा एक्सपीरियंस, जी मैनेज कर विद लूंगा। सैलरी स्लिप। कोई जी जी अकाउंट में पैसे ले रहे हैं आप उनकी कंपनी से? कंपनी तो नहीं होगी पेट्रोल फार्म की डेफिनेटली, वो तो सर ऑस्ट्रेलियन बेस है, फुली इंटरनेशनल बेस ठीक पे, जैसे है कहते हैं कैटल फार्म जैसे शेड, वो उसी बेस पे सारा ठीक इंग्लिश है। जो है बैंक अकाउंट ऑस्ट्रेलियन बेस भी जो होगा है। उनका डेफिनेटली। जी, बैंक अकाउंट है, स्टेटमेंट फादर की भी है, और अपनी लास्ट 2 मंथ से, 3 मंथ से आई थिंक, हाँ 3 मंथ से मेंटेन कर रहा हूँ सैलरी ले रहे हैं उसमें या वैसे इन आउट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के उसमें। बाद? वैसे इन आउट है, जो ऑफिस का बिजनेस का जो इन आउट होती है, मेडिकल वेंडर पेमेंट जो होती है, बिल वगैरह। आप उसको ना एज एक्सपीरियंस ले और 1 ईयर की सैलरी कैश में आप ना शो कर सकते हैं, तो ये जी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो ऑफिस टाइमिंग क्या है सर? मैं चकवाल से बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप विजिट भी कर लेता हूँ। ना हमारे यहाँ से इस्लामाबाद में गीगा मॉल में ना मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 PM ऑफिस टाइमिंग है, तो जी मंडे टू जी फ्राइडे ऑफिस आ सकते हैं, किसी टाइम भी आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना बता के ना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखेगा, जजाकल्लाह। ओके। जी खुरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी अलहमदुलिल्ला। आप खुरम साहब, खैरियत से आप? ये सर मैंने मैं आपको तो आ नहीं बड़े सकता सर आप दोस्तों के बड़े जी, शिकारी क्या हैं कि मैं कॉल अटेंड नहीं करता, तो मैंने सोचा आप नहीं, तमाम दोस्त। मुझे आप मुझे पता है, मेरी कॉल अटेंड करे ना करे, मैं आपको लाइव मिलने आ जाऊंगा कराची। कराची कब आ रहे हैं? सर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीकेंड पे कराची हूँ। अच्छा, मैंने आपको ना व्हाट्सएप किया था एक ना, क्या कहते हैं वो, न्यू ब्रांक्स वीजा, उसके बारे में ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, मैंने देखा नहीं मैंने मैसेज मैंने आपका। अभी मैं लाहौर में हूँ घर में ना, ठीक है ठीक तो मैं कह रहा था ये न्यू ब्रांक्स वीजा है ना, उसके बारे में डिटेल चाहिए थी। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, अगर काइंडली आप व्हाट्सएप देख लेते तो। मैं खुद सब देख के आपको ना और कॉन्टेक्ट तबीयत से करूंगा। ठीक है, खैरियत से हैं? बड़ी नवाजिश, बड़ी अच्छा लगा कॉल पे बात करके। थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है सर। बस फैमिली भी आए हुए हैं इधर लाहौर, आए हुए हैं बच्चों का साथ, ये देख रहे हैं आवाज आ रही सर होगी। आते आते हैं सर लाहौर आपके पास, किसी पिक्चर लगाते हैं लोग। जी क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लाहौर आपके पास चक्कर लगाते हैं किसी दिन इंशाल्लाह। तो सर मौत फेंका, जब लोड चक्कर लगे तो घर चक्कर लगाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये सर, घर है मेरा। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, इंशाल्लाह जरूर तो मिलेगा चक्कर। काशिन भाई मुझे उसके बारे में बताएं जरा, जो न्यू ब्रांक्स वीजा है ना। जी, मैं बिल्कुल जनाब, मैं डिटेल देखता हूँ आपकी, तो मैं इंशाल्लाह उसके रिलेटेड मैं आपको गाइड चले करता अच्छा, हूँ। मेरे दो तीन दोस्त और हैं, नईम मजीद अभी आपको कॉल पे है, आई थिंक वो भी आपको अटेंड कर रहा है, नईम मजीद ना, ठीक है तो उसके साथ भी बात करिएगा, वो इस टाइम दुबई में है, वो भी कनाडा का वीजा वगैरह का प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है।
जरूर सर, मैं गाइड करता हूँ, कॉल लगा दे उनकी क्या, मैं पर्सनल कॉल कर बड़ी दूंगा। बड़ी नवाजिश, थैंक लव यू मेरी जान, यू, लव थैंक यू फिर, करम भाई, जजाकल्लाह, लव खुश रहें फिर, जनाब, खुश रहें जनाब, थैंक यू थैंक जी, थैंक यू। यू। जी नहीं सर जी, आपका क्या नाम है, हाकिम, हाकिम साहब आपके ना 40% मार्क्स हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता। सॉरी, आप कोशिश करें कि आप दोबारा अपने ना रिपीट कर लें अपने इंटरमीडिएट, तो ये उसका एक ऑप्शन है, 50 से कम मार्क्स हो तो कहीं भी एडमिशन नहीं होता, तो कोशिश करें कि नंबर 60+ होने चाहिए, आप दोबारा ना रिपीट करें इसको, ठीक है जी। जी अहमद साहब, कॉल आपकी, आप कॉल करें जरूर, क्यों नहीं रिस्पॉन्स आएगा, नंबर शेयर कर दें, इंशाल्लाह आपसे ना टीम कांटेक्ट कर लेगी, नो प्रॉब्लम जी, मैं खुद अभी यहाँ पे हूँ, आपको कॉल कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह वालेकुम जी, अहमद साहब कैसे हैं आप? का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब, अहमद साहब क्यों निकाल पिक होती है आपकी जनाब? मैंने कुछ दो तीन बार कॉल की है, ठीक है, तो आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे से कह देते हैं कि जी हम आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है। सर मैं बिल्कुल जनाब इसके लिए माजरत है, बिल्कुल नंबर तो अटेंड होना चाहिए आपका, बताएं नहीं, मुझे जनाब, जनाब बताएं कि नंबर तो खैर अटेंड हो गया था, लेकिन बट दे सेड दैट वी विल कॉल यू, आपकी अपॉइंटमेंट हमने बुक कर ली है, हम आपको खुद कॉल करेंगे, तो मैंने मुझे इसलिए बताएं फिर जनाब, अभी आपको कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जना दूंगा, आप बताएं मुझे, बताएं बिल्कुल। मुझे आप एक तो चीज बताएं कि आप लोग कनाडा का वर्क परमिट कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल करते हैं, एलएमआई हम डील करते हैं जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि प्रोसीजर कितना है, टाइम कितना है, आप सर लोग एलएमआई में 4 to 6 month लेते हैं मिनिमम। 4 to 6 month लेते हैं, जी जी ठीक है, बिल्कुल। और उसमें क्या लोग आप क्या कॉस्ट चार्ज करती कास्ट हैं? ना, कास्ट सर जी वो डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करते हैं, स्कोर कितने आपके कैनेडियन सीआर स्कोर, ठीक, उसके रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ आपकी कास्ट क्या आ सकती है। अच्छा, उसके अंदर आयल्स जी जी चाहिए, बिल्कुल, 100% आइट्स लाजमी चाहिए, मिनिमम 6 स्कोर लाजमी चाहिए होते हैं। चलें आप ना मेरी प्लीज एक कोई अपॉइंटमेंट बुक सर करवाएं, आप ना, ताकि आप जो मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे ना मुझे आप व्हाट्सएप भेज दें अपने डॉक्यूमेंटेशन, मैं खुद चेक करता हूँ, आप जरा प्लीज अपना नंबर या जीरो मैसेज कर ट्रिपल देंगे। जीरो 0333 आगे बताइएगा, मैं आपको 112-0001 0001 आप इस ट्रिपल पे जीरो ना वन व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चेक कर लेते हैं मैं डॉक्यूमेंटेशन आपके। 0333-112-0001 जी जी बिल्कुल चले, ठीक है, थैंक यू, ठीक हो गया थैंक जी, यू। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू जी, ओके अच्छा ओके।
कनाडा का रिस्पांस कितने दिन में आ रहा है आफ्टर परमानेंट ट्रक? तकरीबन जी 45 to 60 days लग ही जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम। सर H1B के लिए आपकी एजुकेशन चाहिए, इंटरमीडिएट आर्ट्स चाहिए, पाकिस्तान में कोई आपके पास जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड ही आपकी वहाँ पे जॉब होती है। जो पाकिस्तान में आपके पास एक्सपीरियंस होगा या कनाडा में जिसके एक्सपीरियंस पीरियड को जॉब होगी, वो एक्सपीरियंस आपके पास पाकिस्तान में होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं H1B वीजा के लिए। यस अली रजा साहब बिल्कुल। जी आ जाए, अंदर आ जाए, बैठे हैं। और जी 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 मुझे भेज दें, नदीम साहब आपने एक्सपीरियंस भेज दें। जी जी बिल्कुल रिप्लाई करेंगे जनाब, क्यों नहीं रिप्लाई, रिप्लाई ना भी करें तो मैं डेली इंशाल्लाह आपके पास यहाँ मौजूद होंगे, आप तो अपने क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं जनाब। बिल्कुल आप के तमाम क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सेशन है जो आउट ऑफ इस्लामाबाद है, आउट ऑफ कराची है, ऑफिस तशरीफ नहीं ला सकते, बिल्कुल उनके लिए जनाब मैं अवेलेबल हूँ। जी टाइम क्या हो गया जी? जी ठीक है जी, कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ सेम टाइम ज्वाइन करूंगा, तो जो भी आपसे क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उनको सॉल्व किया जाएगा। कोशिश करूंगा कि एवरी टाइम एवरी डे इस टाइम में आपके साथ यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे इंशाल्लाह उनको सॉल्व किया जाएगा। तो जिनको रिप्लाई नहीं आता, कोई भी उनको इशू हो इमिग्रेशन के वाले से, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिला झिझक वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको जनाब रिप्लाई भी आएगा और उनके क्वेश्चन जो भी होंगे उनको सॉल्व भी किया जाएगा। जी थैंक यू जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मरीज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा पे भी मेरा नंबर मेंशन है और यहाँ पे वेबसाइट भी है, यूट्यूब का लिंक भी है, टिकटॉक भी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मिलेगा। साहब आप ज्वाइन नहीं हो रहे, ट्राई की है बट आप नहीं हो रहे। थैंक यू जी, जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें जी।